हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल और आपका स्वागत है आप ही के चैनल राहुल टीच में। आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो कॉलेज की इम्पोर्टेंस क्यों ज़रूरी होती है, मींस एक अच्छा कॉलेज क्यों ज़रूरी होता है या फिर ब्रांच क्यों मैटर करती है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं यार, देखो अगर आप 12th में हो या फिर उससे पहले स्टडी कर रहे हो, मतलब 11th में हो या 10th में हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो अभी, अगर आपके 12th के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं तो इस बात को समझ लो यार, 12th में मार्क्स लाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उससे ज़्यादा होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना। क्योंकि एक अच्छा कॉलेज मिलना, हमेशा टारगेट रखो एक अच्छा कॉलेज मिले, ये मत सोचो कि कॉलेज कोई भी मिलेगा हम वहाँ जाके अच्छी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि कॉलेज से काफ़ी ज़्यादा मैटर चीज़ें कर जाती हैं। देखो मैं आपको एक एक चीज़ें गिनाऊंगा जिससे आपको पता चले कि कॉलेज से क्या फ़र्क पड़ जाता है। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट मेन चीज़ है जो कि आपका प्लेसमेंट होता है, वही अफेक्ट कर जाता है आपके कॉलेज की वजह से। मान लो कोई IITian बंदा है और कोई दूसरा बंदा है, काम सेम दोनों ही करते हैं, एक कंपनी में आपको एक IITian भी मिल जाएगा और एक नॉर्मल बंदा भी मिल जाएगा, दोनों काम भी सेम कर रहे होंगे, बट उसकी सैलरी आप समझ सकते हो कितनी होगी और उसकी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे की सैलरी कितनी होगी। और आप एक चीज़ गौर कर लो, आप एक चीज़ को समझो कि अगर आप देखोगे तो यार ऐसे कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसमें प्लेसमेंट तक नहीं होता, मीन्स कंपनियाँ ही नहीं आती हैं यार, क्योंकि उन IITianों की एक ब्रांड है, जिस कॉलेज की एक ब्रांड वैल्यू होगी। इस ब्रांड वैल्यू को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी चीज़ की ब्रांड होगी तो उसमें ऑटोमेटिकली कंपनीज आती हैं, कॉलेज कंपनीज़ को बुलाता है या कॉलेज कंपनीज़ को बुलाता है यस, और या फिर है ना कंपनीज़ खुद से उस कॉलेज को अप्रोच करती हैं उसमें स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट लेने के लिए, क्योंकि उस कॉलेज की एक ब्रांड वैल्यू है, वो जानते हैं। जैसे कि वो IIT की अगर हम बात करें तो IIT इंडस्ट्रीज़ जानती हैं कि यार वो IIT का बंदा है, उस पर एक टैग लग चुका है कि वो एक IIT का बंदा है, तो वो हमें कुछ अच्छा ही देगा या फिर वो कुछ अलग ही परफॉर्मेंस देगा। तो इसका मतलब ये नहीं है। अब देखो यार, हमेशा ये चीज़ समझ लो कि क्या क्या फ़र्क पड़ता है। एक तो देखो तुम्हारी अकेडमिक्स पर फ़र्क पड़ेगा, जितना मतलब नीचे जाओगे कॉलेजेस की रैंकिंग में या फिर हर चीज़ में, तो आपको अकेडमिक्स पर फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के जो टीचर्स होंगे वो इतने अच्छे नहीं होंगे, तो आपका फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा नहीं मिल पाएगा जितना अच्छा आपको मिलना चाहिए था। क्योंकि फ्रेंड सर्कल से भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, संगत से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आप प्रोजेक्ट्स करोगे या फिर प्रोजेक्ट करने की सोचोगे या कोई स्टार्टअप करने की सोचोगे, आपके दिमाग में कोई आइडिया आएगा तो उसमें इम्प्लीमेंट करने के आपके साथ ही नहीं होगा कोई, क्योंकि सबकी वो जो माहौल आपको मिलेगा, आपको वही मिलेगा कि आप सबकी मेंटेलिटी वही होगी कि कुछ नहीं होता यार, बस जॉब की प्रिपेयर करो, जॉब के लिए प्रिपेयर करो, कोई एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा एक अच्छा, अपॉर्चुनिटीज़ आप पे कम हो जाएंगी, आपको एक डायरेक्शन जो कि आपको फ्यूचर के लिए आपकी जो कैरियर एडवाइस होती है वो अच्छी नहीं मिल पाएगी, और प्लेसमेंट तो आपका फिर और डिक्रीज़ हो जाएगा। ब्रांच से भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यार ब्रांच अब मैटर कर रही है, चीज़ें टेक्नोलॉजी में इनबिल्ड हो रही हैं, तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अगर आप इसमें, अगर आपका ब्रांच का डिसीजन अभी है नहीं कि मेरे को कौन सी ब्रांच लेनी है, एक तो होता है खुद का ब्रांच डिसीजन, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी कि कौन सी ब्रांच बेस्ट है या फिर कैसे हम ब्रांच को चूज़ करते हैं, मैंने दोनों वीडियो बनाई हैं, आप उनको देख सकते हो, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट मेन चीज़ ये है, हमें ये समझना है कि ब्रांच अगर आपकी डिसाइड नहीं है बट आप चाहते हो इंजीनियरिंग करना, या घर वाले ही फोर्स कर रहे हैं, सोसाइटी फोर्स कर रही है, पहली बात तो फोर्स पर जाना नहीं चाहिए, बट फिर भी आप जा रहे हो तो एक ऐसी ब्रांच चुनो, एक नॉलेज गेन करो और उस ब्रांच को चुनो जिसका स्कोप अब आने वाला है, मतलब CSIT की। CSIT का ही अब जमाना आ रहा है, हर चीज़ कंप्यूटेशनल हो रही है, डिजिटल हो रही है, मैं ये नहीं बोल रहा और ब्रांच बेकार है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अब ब्रांच उसी हिसाब से ली जाती है जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, बट आपका इंटरेस्ट नहीं है बट आपको इंजीनियरिंग करनी है, तो इस बात को समझो, आपको वही ब्रांच और वही कॉलेज लेना पड़ेगा जिधर उसका ब्रांड वैल्यू है, जिधर कंपनीज़ का स्कोप है, जिधर आप प्लेस्ड हो सकते हो, जिधर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो इस बात का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखो और अच्छी पढ़ाई करो। अगर आप पढ़ लियो तो मैं आगे भी वीडियोस बनाऊंगा कि आप अगर ऐसे कॉलेज में हो जहां कंपनीज़ नहीं आती तो आप ऑफ कैंपस के लिए कैसे ट्राई कर सकते हो, आपको क्या क्या सीखना होगा। देखो यार, नई नई चीज़ें सीखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई बंदा कॉलेज में है इस समय, वो इस वीडियो को देख, आपको फर्स्ट ईयर से ही चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगना होगा, ये नहीं कि आप बस एक ही चीज़ लेके चलोगे। अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी नहीं कर रहे, मतलब कुछ एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट भी नहीं कर रहे, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा स्किल तो सीखनी पड़ेगी। काम तो देखो देखो आपको करना ही पड़ेगा, या आप ऑफलाइन करो अपने कॉलेज में करो या फिर ऑनलाइन करो, और ऑनलाइन का जमाना है तो आप ऑनलाइन ही करो, ऑनलाइन सीखो, ऑनलाइन काम करो, क्योंकि अपनी प्रोफाइल में आपको कुछ ना कुछ तो स्किल्स डेवलप करनी होंगी, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। आप पढ़ लिख लोगे, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, कुछ ना कुछ तो आपको इन बिल्ड करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि यार देखो अकेडमिक्स तो सभी पढ़ रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, बट कंपनी अब वो नहीं मांगती, क्योंकि कंपनी को वहाँ कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कराना आपसे, उसको एक प्रैक्टिकल स्किल्स बंदा चाहिए, स्किल्ड बंदा चाहिए, एक प्रैक्टिकल नॉलेज रखने वाला, एक अच्छे से सोचने वाला जिसने हर चीज़ एक्सप्लोर करी हो, जिसने चीज़ें सीखी हो,
खुद से ही चीज़ें सीखना चालू करो। इतनी चीज़ें हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, वेब डेवलपमेंट है, सी प्रोग्रामिंग है, मतलब ये तो कोर्स का मैं बता रहा हूँ, फिर भी कुछ कोर्स से अलग चीज़ें सीखो, वीडियो एडिटिंग सीखो, हर चीज़ एक्सप्लोर करो, कुछ भी चीज़ मत छोड़ो। अगर स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो स्पोर्ट्स में जान लगा दो। मैं ये नहीं बोल रहा स्पोर्ट्स से आपका करियर बनेगा, बट हर चीज़ का एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। स्पोर्ट्स से आपको टीम लीडरशिप सीखने को मिलेगा, टीम में वर्क कैसे होता है ये सब सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप एक टीम में काम करोगे, टीम वर्क की आप अहमियत समझोगे। मतलब यार देखो, हर चीज़ में सीखना है, बट मैं आपको बस ये समझा रहा हूँ कि अगर आप एकेडमिक्स पर डिपेंड हो रहे हो तो फिर यार प्लेसमेंट में तो आपको आप भूल ही जाओ। मैं तो यही बोलूँगा कि आप भूल ही जाओ अगर आप प्लेसमेंट की सोच रहे हो तो, क्योंकि कंपनीज को अब ये चाहिए ही नहीं बंदे। क्योंकि अगर आपका प्लेसमेंट हो भी जाएगा तो आपको वो सैलरी नहीं मिलेगी, आपको गधा मजदूर की तरह काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास कोई स्किल नहीं है जिस बेसिस पे उन्होंने आपको लिया है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। कॉलेज के लिए प्रिपेयर करो, और आने वाली वीडियोज़ आपको बता देंगी कि कैसे कैसे आपको अपने फर्स्ट ईयर से ही खुद को ट्रेन करना है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना।